इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बाद अगर वो कोविड से गई है तो मैं मान नहीं सकता। इतने टाइम से टॉर्चर सह रही थी, हमें भी नहीं पता था, दुनिया के सब लोगों को, उसके फैंस, उसके फ्रेंड्स, हर किसी को, थोड़ा 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 सबको पता चल गया। अभी जब पता लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि काश पहले पता होता ये चीज़। गगन सेठी, रौनित सेठी, गबरू देहरादून में रहता है, पूरा एड्रेस है मेरा उसके पास। अपने आप को वो बताता है कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, मेरे पास गन है, मेरे पास ये है, मैं तेरे भाई को मरवा दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा जान से, उसने बेल्टों से मारा, धमकी देता है दिल्ली आके तेरे भाई को मरवा दूंगा तुझे पता नहीं चलेगा। वो इंसान इस टाइम भागा हुआ है ना, वो हॉस्पिटल में आया, उन लोगों ने टॉर्चर करा दिव्या को कॉल कर करके, आईसीयू में कॉल कर करके उसको वीडियो कॉल करा। उसके यहाँ पे पंप लगा हुआ था 100% पंप, कि वो बोल नहीं सकती थी, पंप उसको फोर्स कर रहा था ऑक्सीजन लेने के लिए, और वो वीडियो बना के IGTV पे डाल रहा है। मैं अंदर आईसीयू में गया हूँ, मैं उससे लिख के बात करता था क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, और वो दावा करता था कि हम लोग गलत हैं, हम घर में घुस गए हैं, मेरे मदर और मेरे फादर ने दिव्या को बॉम्बे में बनाया है, मेहनत उसने बहुत करी है, लेकिन पूरा सपोर्ट हमेशा फैमिली का रहा है। अभी कुछ 1-1.5 साल से, जब से मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, तब से हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक होता है इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि दिल्ली में भी संभालना, बॉम्बे में भी संभालना, दिव्या थोड़ी अकेली हो गई थी शायद, बट हमने कभी साथ नहीं छोड़ा उसका। अब वो उसको इतना टॉर्चर करता था कि मैं अगर आपको दिखाना शुरू करूं, इतने एविडेंस है मेरे पास कि उसको फांसी, क्या फांसी भी बहुत कम सजा है, ऑलरेडी उसके इतने केस चल रहे हैं, बेल पे आउट है, तो भी बंदे में इतना दम है कि वो ऐसा क्राइम कर रहा है। और बॉम्बे पुलिस के मैं गया FIR लिखवाने, और मैंने बोला कि कोविड से डेथ हो गई है आपकी सिस्टर की, तो हम FIR नहीं कर सकते, तो मुझे पता नहीं आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट तो मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन जो लीगल मेरे को अथॉरिटीज से हेल्प चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही है। बस मेरे को यही है कि मेरे को जस्टिस चाहिए, और गगन सेठी मेरे को मेरे सामने चाहिए, और मैं देखूंगा कितना बड़ा गुंडा है वो, मैं देखना चाहता हूँ कितनी गन्स है उसके पास और कितना बड़ा क्रिमिनल है। दिव्या को मारता था वो यहाँ पे ये पैचेस, मैं ICU में गया, उसके पैरों पे भी पैचेस, वो देहरादून गई है शादी होने के बाद, और उसके बाद वहाँ पे मेरे को पता लगा, आज पता लग रहा मुझे कि वहाँ पे उसको नौकरानी बना के रखते थे, उसको उसकी सास ने भी मारा है, उससे गोल्ड लिया है, सब चीज़ें ली हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता। उसकी फ्रेंड, इतनी क्लोज फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसके भाई की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि देख मुझे सब पता है इसके भाई के बारे में, तो तू समझ जा मैं क्या चीज़ हूँ। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से, नाम गबरू रख लेने से इंसान मर्द नहीं बनता, औरत की इज्जत करनी पड़ती है, और दिव्या जैसी लड़की इतनी शरीफ, इतनी भोली कि पूरी इंडस्ट्री जानती है उसको, वो उसको टॉर्चर करता रहा, इतनी सहमी भी, डरी भी, कि उसको ये डर लगता था कि मेरे पापा चले गए, मेरे भाई को कुछ ना हो जाए, मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। इतना नाम उसका, 10-11 साल से उसने जो लगातार शोज किए ना, वो खुद से सब मेहनत करने के बाद यहाँ पहुँची है। फ्रेश सर्विस थी दिव्या की, हम सब उसी में आए थे एक्चुअली, उसकी मामा और भाई को सपोर्ट करने। एंड दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी, सॉरी बहुत अच्छी लड़की थी दिव्या। It was all of a sudden, we don't know अचानक से क्या हो गया, she was not keeping well, उसकी हेल्थ भी ख़राब थी, और कोविड की वजह से everything just came to a toss, लेकिन stressed भी बहुत थी वो अपनी personal life की वजह से, but I'm very sure कि अब वो जहाँ है बहुत ही, she's happy now, and I really wish may her soul rest in peace, and all my condolences to her family, uske mama aur bhai ko, I met them. Aisi cheez dikha raha hu, agar iske baad bhi action nahi liya to fayda nahi hai is industry mein kaam karne ka. Main sab actors ko bolunga ki aap low life jee rahe ho, agar aapki koi madad karne nahi aata iske baad, is torture ke baad, belt se marna usko, bakkal nikal ke, ये उसने बोला, वो सेट पे गिरी थी आज से बहुत टाइम पहले, ये आर्टिकल आया था, गगन ने उसको मारा था। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, क्योंकि मेरी बहन 5 फुट की और वो साला 5-10 फुट का, तो ये जायज़ है कि वो हाथ उठाएगा तो उसको लगेगी तो जरूर। उसके बाद उसका सर फाड़ा गया,
वो डॉक्टर के गई, 3 दिन के बाद सर फाड़ा गया, चूड़ा पहना हुआ उसने। सर फाड़ने के बाद उसको स्टिचेस नहीं लगवाए गए ताकि पुलिस केस ना बन जाए। लोगों को बताती रही वो कि मेरे को, हमें नहीं बताया क्योंकि हम शायद कमजोर पड़ जाते और यहाँ आके एक्शन ले लेते कुछ। तो लोगों को चैट देती थी, लिखती थी उनको कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। और ये गगन सेठी ने एक बार नहीं, कई बार लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास कई ऐसी बातें हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे को मैसेज करके बोलते हैं। दिव्या मेरी बहन जैसी थी। पहला शो मैंने उसके साथ किया था, प्रीतो मेरा पहला शो उसके साथ था, और पहले दिन से हम बहुत ही अच्छे दोस्त और भाई बहन वाला रिश्ता हो गया था। मेरे पास तब गाड़ी नहीं होती थी, तो उसने मुझसे बोला था कि पवई से तू अंधेरी कैसे आएगा, आजा मेरे साथ बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप कर देती हूँ। तब से मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो मुझे बताती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं उसे बताता था। धीरे धीरे मैंने भी ग्रोथ करनी शुरू की इंडस्ट्री में, वो बहुत खुश होती थी जब मैं उसे बताता था। वो जब इस घटिया इंसान से शादी हुई उसकी, गगन से, तो मैं उसको बोलता था ये इंसान ठीक नहीं है दिव्या, तो कहती थी मैं प्यार करती हूँ, मैं इसे ठीक कर दूँगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसे इतना मारता था, इतना उसे टॉर्चर करता था। वो इंसान जहाँ भी होना उसे छोड़ना नहीं, उसे मरना ही पड़ेगा, उसे छोड़ना नहीं कहीं। आई नो दिव्या इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड शी वाज स्ट्रॉन्ग टिल एंड, शी वाज फाइटिंग। आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर, आई एम गोना मिस हर। वही एक थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी और मुझे इस इंडस्ट्री में लाने वाली दिव्या है, मुझे मुंबई में लाने वाली दिव्या है। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, आई डोंट बिलीव कि आज शी इज़ नो मोर। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बस यही कहूँगा।